दोस्तों आप सभी लोग भी क्रोम ब्राउजर का यूज करते ही रहोगे। ब्राउजिंग करने के लिए सभी लोग क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं, लेकिन क्रोम ब्राउजर के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, ना हम उसके बारे में जानते हैं। इसके वजह से हमारे फ़ोन की बैटरी जो है बहुत ही जल्दी डाउन होने लगता है। अगर आप कंटिन्यू अपने फ़ोन के अंदर 4 से 5 घंटे अगर आप ब्राउजिंग करते हो, तब आपका फ़ोन बहुत ही जल्दी चार्जिंग उतर जाएगा या आपका फोन स्विच ऑफ भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्रोम ब्राउजर के ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर आप अपने फोन के अंदर कर लेते हो, उसके बाद आप अपने फोन में चाहे जितना ब्राउजिंग करो, आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। उसके लिए आप लोग क्या करना होगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ पाए। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा देना है ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। और यहाँ पर नीचे आपको बैटरी लिख करके सेंड कर देना है। यहाँ पर आपको लिखना है बैटरी और आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंड कर देना है। बस इतना सा काम आप सभी लोगों को कर लेना है। उसके बाद जो पहले नंबर का सेटिंग आप सभी लोगों को करना है, उसके लिए सिंपली आप लोगों को क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप को 3 डॉट का ऑप्शन दिखता है, 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो पहले नंबर का सेटिंग करना है ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है सिंक करके, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपने फोन की बैटरी को सेव करने के लिए बाय डिफॉल्ट इसे यहाँ पर बंद करके रखा है और आप सभी लोगों के एंड्रॉयड फोन के अंदर ये ऑन होता है। कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आप सभी लोगों के फोन के अंदर ये ऑन होता है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देख लो लिखा हुआ आ रहा सेइंग एवरीथिंग, यानी कि आपके फोन के अंदर सारी चीजें साइनिंग होता रहता है। चाहे आप फोन को यूज करो या ना करो, अगर आपके फोन के अंदर इंटरनेट चालू है तो ये क्या करता है, पूरी तरफ से हमेशा साइनिंग करते रहता है। तो आपको करना सिंपली यहां से इसे ऑफ कर देना है और ये जो बॉक्स में क्लिक है यहां से सभी के सभी बॉक्स में से क्लिक आउट कर देना, हटा देना है। कुछ इस प्रकार से आपको करना है, यहां से हटा देना है ताकि आप अपने फोन की बैटरी को लंबे समय तक चला पाओ। यहां पर ये साइनिंग का मतलब नहीं होता है, कुछ और यहाँ पे होते रहता है जिससे आपके फोन की बैटरी बहुत ही जल्दी डाउन हो जाती है। तो यहाँ से आपको कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली बैक कर लेना है। ये हमारा पहले नंबर का सेटिंग हो गया। अब आपको दूसरे नंबर की सेटिंग के बारे में बता देते हैं। अब जो दूसरे नंबर का सेटिंग करना है वो यहीं पर आपको मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेफ ब्राउजिंग। अब आप सब लोगों को पता ही होगा सेफ ब्राउजिंग क्या है और इसके अंदर क्या करना है ये नहीं पता। सेफ ब्राउजिंग ये होता है कि आप अगर ब्राउजिंग कर रहे हो तो आपके फोन के अंदर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना डाउनलोड हो जाए या कोई हार्मफुल वेबसाइट पर आप ना चले जाओ, इसलिए आप लोग सेफ ब्राउजिंग को ऑन रखते हो। तो यहाँ पर क्या होता है देख सकते हो, यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो प्रोटेक्शन पे सेट हो जाता है, गलती से हो जाता है या कहीं से भी हो जाता है, नो प्रोटेक्शन पे सेट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन और देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, हैंड्स प्रोटेक्शन जो पहले नंबर वाला है उस पर आप लोगों को क्लिक करके रखना है, जो मैंने पहले ही क्लिक कर रखा था। इससे क्या होगा, ये जो नया ऑप्शन दिया गया इन हैंड्स प्रोटेक्शन, इससे आप सेफ ब्राउजिंग तो कर सकते हो प्लस आप अपने फोन की बैटरी को भी बचा सकते हो यहाँ पर, और आपकी जो डाटा है उसे भी लीक नहीं होने देगा। आप चाहे कोई भी ब्राउजिंग करो आपका डाटा लीक नहीं होगा, या फिर आप यहां पर अच्छे से सेफ ब्राउजिंग कर सकते हो और आप यहां पर कोई भी फालतू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है फालतू का जो आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपके फोन की जो बैटरी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लंबे समय तक अपने फोन की बैटरी को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर यह दूसरे नंबर का सेटिंग आप लोगों को अपने फोन के अंदर कर लेना है, जो आपको सेफ ब्राउजिंग के अंदर देखने को मिल जाता है। अब जो थर्ड नंबर का सेटिंग है वो भी आप लोगों को बता देता हूं। अब यहां पर आप थर्ड नंबर का जो सेटिंग है उसके लिए यहां से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहां पर होता है एक नोटिफिकेशन करके सेटिंग, जो हमें तीसरे नंबर के सेटिंग के अंदर करना होगा। यहां पर नोटिफिकेशन आपको भी पता है, यदि आप ब्राउजिंग करते हो क्रोम ब्राउजर के अंदर तो आपको इतने नोटिफिकेशन आते होंगे, कि आप खुद बोलते रहोगे कि भाई ये कैसे बंद होगा। तो यहां पर नोटिफिकेशन आप क्लोज करोगे, नोटिफिकेशन आने का रीजन होता है कि आपके फोन की बैटरी भी यूज होती है, जितना नोटिफिकेशन आएगा उतने
इतने आपके फ़ोन की बैटरी भी यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि आप ब्राउजिंग कर रहे हो, किसी गलत वेबसाइट पर चले गए हो तो उसका भी नोटिफिकेशन आता है, या फिर आप किसी ब्राउजिंग को सेव करके रखे हो तो उसका कुछ अपडेट होता है, या उस ब्राउजिंग पे कुछ भी होता है तो उसका भी आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलता है नोटिफिकेशन द्वारा। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे तो मिलता है ऑल क्रोम नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसे ऑफ कर देना है। अब जैसे ही आप अगर इसे डायरेक्टली ऑफ कर देते हो तो यहाँ पर एक भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके ब्राउजिंग के अंदर, यानी कि क्रोम ब्राउजर के अंदर एक भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हो ऑन करके कुछ यहाँ पे जैसे कि हो गया कंप्लीट डाउनलोड्स, हो गया एक्टिव, हो गया ये सब का नोटिफिकेशन आए, और यहाँ पर आप चाहते हो किसी किसी चीज़ का ना आए तो आप यहाँ से अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लोज करूँगा ताकि मुझे एक भी नोटिफिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने किया है थर्ड नंबर का हो चुका है, अब यहाँ पर जो फाइनल है फोर्थ नंबर का, तो उसके लिए आपको करना है सिंपली यहाँ से होम कर लेना है। अब आपका जो क्रोम ब्राउजर है उसे आपको सिंपली होल्ड करके रखना है। जैसे ही आप होल्ड करके रखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है आई बटन का, तो आई बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप आई बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको मिलता है बैटरी का ऑप्शन, बैटरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैटरी के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है अनरिस्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक रहता है, तो इससे क्या होता है आपका जो यहाँ पे अलाउ बैटरी यूजेस इन बैकग्राउंड विदाउट रजिस्ट्रेशन यूज मोर बैटरी, तो यहाँ पर क्या होता है ना इस पे अगर अनरिस्टेड पे सेट है ना तो अलो ये क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड में यूजेस होता है ना विदाउट रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन का, तो यहाँ पर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो आपको क्या करना है रेस्ट्रिक्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक रखना है। आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो जब तक आप अपने एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हो, ब्राउजिंग को यूज़ नहीं करते हो, तब तक आपके फ़ोन की बैटरी को यूज़ नहीं किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है आप लोगों के लिए, तो इसे कैसे आप भूल सकते हो, इसे आप लोगों को करना होगा। तो यहाँ से आपको जो फोर्थ नंबर का सेटिंग है उसके लिए आप सभी लोगों को ये अपने फ़ोन के अंदर कर लेना होगा ताकि आप यहाँ पर अपने ब्राउजिंग जो है अच्छे से कर सको, ताकि आप अपने फ़ोन की बैटरी को अच्छे से यूज़ कर सको। अब यहाँ से आपको बैक करना है। जो फिफ्थ नंबर का सेटिंग है उसके बारे में बता देता हूँ, उसके लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलता है इंस्टॉल अननोन ऐप, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप सभी लोगों को फोन के अंदर ऑन रहता है अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स, तो आपको यहाँ से इसे ऑफ कर देना है। यानी कि क्या आपके फोन के अंदर कोई भी अननोन एप्लीकेशन डाउनलोड होने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कब आपके फोन के अंदर हार्मफुल एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाएगा, आपको नहीं पता चल पाएगा, इसलिए आप सभी लोगों को यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, या वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।